नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के देखरेख में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं और विज्ञान के लिए एक विशेष दिवस का क्या औचित्य है, आज इन बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। लगभग सभी दिवस किसी न किसी के जन्मदिन से संबंधित होता है, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भौतिकी के एक महान खोज से संबंधित दिन है। 28 फरवरी सन 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन आता है जब किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब होती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को फैला देता है। रमन प्रभाव रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना समझने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। सर सीवी रमन इस खोज के लिए 1930 में भारत और साथ ही साथ एशिया के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीते थे। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने साल 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। केंद्र सरकार के स्वीकृति के पश्चात पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। इस दिन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को भारत सरकार सम्मानित करती है और नए सिद्धांतों के प्रयोग को सराहती है। हर साल विज्ञान दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। इस साल इसका थीम है फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। देश के सभी विज्ञान संस्थानों में इस दिन वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खास तौर से छात्रों का विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान हमें गलत धारणा और अंधविश्वासों का विनाश करने में सहायक है। देश के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच का प्रसार आवश्यक है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।